शुभ मध्याह्न विद्यार्थियों। गोदाहनम नाटक हमारे चल रहा था, कुछ भावार्थ हमने कर लिया था, उससे आगे हम देखते हैं। देखिए, जब मल्लिका काशी विश्वनाथ मंदिर से लौट जाती है, उसके बाद में चंदन और मल्लिका में क्या वार्तालाप होती है। चंदन, ग्राम प्रमुखस्य गृहे महोत्सव मास अन्ते भविष्यति। मास अन्ते, महीने के अंत में ग्राम प्रमुखस्य गृहे, ग्राम प्रमुख के घर में महोत्सव भविष्यति, महोत्सव होगा। महीने के अंत में ग्राम प्रमुख के घर में महोत्सव होगा। तत्र त्रिशत चेटकम इतम दुग्धम अस्माभिः दातव्यम अस्ति। तत्र, वहां त्रिशत चेटकम इतम, 300 लीटर दुग्धम, दूध अस्माभिः दातव्यम अस्ति, हमें देना है। वहां 300 लीटर दूध हमें देना है। तो मल्लिका कहती है, किंतु एताव मात्रम दुग्धम कुतः प्राप्स्यामि, लेकिन इतनी मात्रा में दूध कुतः प्राप्स्यामि, कहां से प्राप्त करेंगे, लेकिन इतनी मात्रा में दूध कहां से प्राप्त करेंगे। चंदन, विचार्य मल्लिके, हे मल्लिका विचार करो, हे मल्लिका विचार करो, प्रतिदिनम दोहनम कृत्वा दुग्धम स्थापयामहे चेत तत् सुरक्षितम् न तिष्ठति। प्रतिदिनम, प्रतिदिन या रोजाना, दोहनम कृत्वा, दोहन करके दुग्धम स्थापयामहे, दूध को रखेंगे। रोजाना दोहन करके, दोहन का मतलब है दूध निकालकर, रोजाना दोहन करके दूध को रखेंगे चेत, तो तत् वह सुरक्षितम न तिष्ठति, सुरक्षित नहीं रहेगा। रोजाना दोहन करके दूध को रखेंगे तो वह सुरक्षित नहीं रहेगा। अतएव दुग्ध दोहनम न क्रियते, अतएव इसलिए दुग्ध दोहनम न क्रियते, दुग्ध दोहन नहीं करेंगे, इसलिए दुग्ध दोहन नहीं करेंगे। उत्सव दिने एव समग्रम दुग्धम दोक्षावे। देखिए क्या दिमाग लगा रहे हैं, उत्सव दिने एव, उत्सव के दिन ही, कौन सा उत्सव, जो ग्राम प्रमुख के घर में है। उत्सव दिने एव, उत्सव के दिन ही समग्रम दुग्धम दोक्षावे, सारे दूध का दोहन करेंगे। उत्सव के दिन ही सारे दूध का दोहन करेंगे, अर्थात जिस दिन उत्सव होगा उसी दिन सारा दूध निकालेंगे, पूरे एक महीने का। मल्लिका, स्वामीन, हे स्वामी, त्वम तु चतुर्थम, तुम तो चतुर हो, अति उत्तम है विचार है, बहुत उत्तम विचार, अति उत्तम है विचार है, बहुत उत्तम विचार, अति प्लस उत्तम है, यण संधि। अधुना दुग्ध दोहनम विहाय केवलम नंदिया सेवाम एव करिष्यावे। अधुना, अब दुग्ध दोहनम विहाय, दुग्ध दोहन छोड़कर केवलम, केवल नंदिया सेवाम एव करिष्यामि, नंदी की सेवा ही करेंगे। अब दुग्ध दोहन छोड़कर केवल नंदी की सेवा ही करेंगे। अनेन अधिक अधिकम दुग्धम मासा अन्ते प्राप्स्यावे। अनेन, इससे अधिक अधिकम, अधिक से अधिक दुग्धम, दूध मास अन्ते, महीने के अंत में प्राप्स्यावे, प्राप्त करेंगे। इससे अधिक से अधिक दूध महीने के अंत में प्राप्त करेंगे। द्वावेव धेनुः सेवायां निरतौ भवतः। द्वावेव, द्वौ प्लस एव, अयादि संधि, द्वौ प्लस एव, द्वावेव, द्वावेव दोनों ही धेनुः सेवायां निरतौ भवतः, गाय की सेवा में लग जाते हैं, दोनों ही गाय की सेवा में लग जाते हैं। अस्मिन् क्रमे घास आदिकम गुड़ आदिकम च भोज्यते। अस्मिन् क्रमे, इसी क्रम में घास आदिकम, घास आदि, गुड़ आदिकम च, और गुड़ आदि भोज्यते, खिलाते हैं। इसी क्रम में घास आदि और गुड़ आदि खिलाते हैं। कदाचित विषाणियों तेलम लेपियते। देखिए क्या करते हैं, कदाचित, कभी
विषाणियो तेलम लेप्यते, सींग को तेल से लेपते हैं। कभी सींग को तेल से लेपते हैं, तिलकम धारियते तिलक धारण करते हैं, रात्रौ निराजनेन अपि तोष्यते और रात्रि में पूजा से भी संतुष्ट करते हैं। कभी सींग को तेल से लेपते हैं, तिलक धारण करते हैं और रात्रि में पूजा से भी संतुष्ट करते हैं। किसको? नंदिनी को, गाय को संतुष्ट कर रहे हैं। अब देखिए चंदन क्या कहता है, मल्लिके आगच्छ, मल्लिके हे मल्लिका, आगच्छ आओ, हे मल्लिका आओ, कुंभकारम प्रति चलावह, कुंभकार की ओर चलते हैं। कुंभकार घड़ा बनाने वाला, कुम्हार जिसको हम कहते हैं, कुंभकारम प्रति चलामे, कुम्हार की ओर चलते हैं। दुग्धार्थम पात्र प्रबंधो अपि करणीय, दुग्धार्थम दूध के लिए पात्र प्रबंधो अपि, पात्र का प्रबंध भी करणीय है, करना चाहिए। दूध के लिए पात्र का प्रबंध भी करना चाहिए, पात्र यानी बर्तन। द्वावेव निर्गतो, दोनों ही निकल जाते हैं, द्वावेव निर्गतो दोनों ही निकल जाते हैं। चतुर्थम दृश्यम, चौथा दृश्य। अब देखिए जब दोनों पात्र लेने के लिए कुम्हार के पास में जाते हैं, उसके बाद में चौथे दृश्य में क्या होता है, कुंभकार है, कुंभकार गठर चनायाम लीन है गायती, घड़ा बनाने में लीन गायती गाता है, घड़ा बनाने में लीन कौन, कुम्हार गायती गाता है। क्या गाता है, उस श्लोक में लिखा हुआ है, घड़ा बनाने में लीन गाता है। ज्ञात्वा अपि जीविका हेतु हो रचयामि घटानहम, जीवनम भंगुरम सर्वम यथा ऐसे मृत्तिका घट है। तो अन्वय होगा यहां पर, देखिए यथा ऐसे, जैसा यह मृत्तिका घट है, मिट्टी का घड़ा है, जैसा यह मिट्टी का घड़ा है, वैसे ही सर्वम जीवनम भंगुर है, सारा जीवन नष्ट होने वाला है। जैसे यह मिट्टी का घड़ा है, वैसे ही सारा जीवन नष्ट होने वाला है। जैसे ही यह मिट्टी का घड़ा है, वैसे ही सारा जीवन नष्ट होने वाला है। ज्ञात्वा अपि, ऐसा जानकर भी, जीविका हेतु, जीवन के लिए अर्थात जीने के लिए, रचयामि घटना अहम, घड़े की रचना कर रहा हूं। जैसा यह मिट्टी का घड़ा है, वैसे ही सारा जीवन भी नष्ट होने वाला है। अर्थात कहने का मतलब है, जिस प्रकार मिट्टी का घड़ा नष्ट हो सकता है, उसी प्रकार मनुष्य का जीवन भी नष्ट होने वाला ही है। तो जिस प्रकार मिट्टी का घड़ा है, वैसे ही सारा जीवन नष्ट होने वाला है। ऐसा जानकर भी जीवन के लिए अर्थात जीने के लिए घड़ा बना रहा हूं या घड़े की रचना कर रहा हूं। चंदन, नमस्करोमि तात, हे तात नमस्कार करता हूं, हे तात। अब देखो तात का मतलब पिताजी भी होता है, तात का प्रयोग हम चाचा के लिए भी कर सकते हैं और अपने से बड़ा कोई है उसके लिए भी हम तात शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो नमस्करोमि तात, नमः प्लस करोमि, यहां भी संधि हो गई, विसर्ग संधि और विसर्ग में आयाति सत्व संधि। तो नमस्करोमि तात, हे तात नमस्कार करता हूं, पंचदश गठान इच्छामि, पंद्रह घड़े चाहता हूं, पंचदश गठान इच्छामि, पंद्रह घड़े चाहता हूं। किम दास्यसी, क्या दोगे, किम दास्यसी, क्या दोगे। देवेश, देवेश बोलता है, कथम ने, कैसे नहीं, कथम ने, कैसे नहीं, विक्रयणाय एव एते, ये बेचने के लिए ही है, एते ये विक्रयणाय एव, बेचने के लिए ही है, ये बेचने के लिए ही है। ग्रहण गठान, घड़े लो या घड़े ग्रहण करो, पंचशत उत्तर रुपये काणी चे देही, और 500 रुपये दे दो, पंचशत उत्तर रुपये काणी देही और 500 रुपये दे दो।
तो देखिए चंदन कहते हैं साधु अच्छा परम मूल्यम तो दुग्धम विक्रीय एव दातुम शक्यते, परम लेकिन मूल्यम तो मूल्य तो दुग्धम विक्रीय एव दूध बेचर ही दातुम शक्यते दे सकता हूं, लेकिन मूल्य तो दूध बेचकर ही दे सकता हूं। तो देवेश, देवेश कौन है? कुम्हार। तो देवेश बोलता है क्षम्यताम पुत्र, हे पुत्र क्षमा करें, क्षम्यताम पुत्र हे पुत्र क्षमा करें, मूल्यम विना तू एकम अपि गठम ना दास्यामि। मूल्यम विना तू, मूल्य के बिना तो एकम अपि गटम एक घड़ा भी न दास्यामि नहीं दूंगा, मूल्य के बिना तो एक घड़ा भी नहीं दूंगा। तो विद्यार्थियों आज हम इतना ही भावार्थ करेंगे, इससे आगे का भावार्थ हम अगली कक्षा में लेंगे। धन्यवाद।